Hello students, good morning, and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, right? So आज हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम दिया हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. नाउ व्हाट इज एलिसाइक्लिक? तो एलिसाइक्लिक को आप लोग सिंपल टर्म्स में एक और नाम से बुला सकते हो, विच इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड कंपाउंड, या फिर आप इसे बोल सकते हो रिंग कंपाउंड. करेक्ट, समझ में आ गया? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्लोज्ड वाले नाम से भी बुला सकते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको रिंग कंपाउंड बोलोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो नेमिंग किया था दैट वाज अ सिंपल ओपन चेन कंपाउंड के लिए, बट आज जो डिस्कस करने वाले वो आपके क्लोज्ड चेन कंपाउंड के लिए होने वाला है. करेक्ट है, समझ में आ गया? मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से समझना. जब आपके पास क्लोज्ड चेन रहेगा, क्लोज्ड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आपके पास दिया रहेगा. करेक्ट है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसको ट्रायंगल होता है. ट्रायंगल है, लेकिन मैथ्स में आप इसको ट्रायंगल बोलोगे, बट जब आप केमिस्ट्री के सेक्शन में जब आप इसका नेमिंग करते हो ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देंगे, अब आप बोलोगे ये स्क्वायर है. ठीक है, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा तो आप इसको बोलोगे पेंटागॉन है. कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, यहां भी ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर आर द क्लोज्ड कंपाउंड, या फिर आप उसको बोलते हो एलिसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. ठीक है, ओपन चेन में ऐसा नहीं होता, ओपन चेन में फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन कभी भी कनेक्टेड नहीं होते, बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें याद रखो आपका फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है. सिमिलर यहां पे भी होगा, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन जैसा आप नंबरिंग करोगे उसको. ठीक है, सिमिलर इस वाले केस में भी होगा. ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, ध्यान से समझना, जब आप कोई भी सॉरी क्लोज्ड कंपाउंड जब आप लेते हो तो उसका नेमिंग करना पड़ेगा. अब उसका नेमिंग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से समझना. तो यहां पे हमें एक प्रीफिक्स लगाना होता है, प्रीफिक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा. ठीक है, ध्यान से समझना. तो नोमेनक्लेचर जब भी आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जब आप देते हो तो वहां पे आपको एक प्रीफिक्स ऐड करना होता है. प्रीफिक्स आपका रहेगा, आपको जो प्रीफिक्स अप्लाई करना होता है दैट इज साइक्लो. कौन सा इस्तेमाल करोगे? साइक्लो. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लो एज अ प्रीफिक्स आपको यहां पर इस्तेमाल करना है. लेट मी शो यू एग्जाम्पल, आपको मैं डिफरेंस भी बता रहा हूं ओपन चेन में क्लोज चेन में फर्क क्या होता है. ठीक है, सपोज मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से, CH3, CH2, CH3. करेक्ट है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. ये कौन सा एग्जाम्पल है? ओपन चेन, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्ट्रेट चेन. वेयरएज क्लोज्ड वाली चेन में एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं CH2, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा CH2. ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, समझ में आ गया? क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, एवरी कॉर्नर कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन. ठीक, समझ में आ गया? अब इसका नेमिंग बता रहा, ध्यान से देखना. मेरे पास यहां पे कितने कार्बन है? तीन कार्बन. तो तीन कार्बन को हमने क्या लिखना होता है? प्रो. करेक्ट है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, तो लास्ट में आना है एन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन. अब मुझे बताओ ये ओपन चेन है, करेक्ट है, तो इसको अपन नाम दिया हुआ है प्रोपेन. कमिंग टूवर्ड्स दिस वन, अब यहां पे कितने कार्बन है? 1, 2, 3. सो अगेन विल बी हैविंग प्रोप, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में यहां पे आ जाएगा एन ई. बट दिस टाइम आपका चेक करना स्ट्रक्चर ओपन है कि क्लोज्ड है. क्लोज्ड है तो आपको यहां पर प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल करना है? साइक्लो. तो जस्ट बिहाइंड दैट प्रोपेन यू हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो. तो यहां पे आ जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन. क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है. ठीक है, सिमिलरली इसका भी नेमिंग सेम रहेगा, ये भी सेम है. करेक्ट है, तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा देने दो या फिर स्ट्रक्चर आपका ऐसा होने दो, आपका नेमिंग सेम रहेगा, साइक्लोप्रोपेन और ये भी बनेगा साइक्लोप्रोपेन. क्लियर, समझ में आ गया? चलो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ CH3, CH2, CH2, again CH3. करेक्ट है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. एंड सिमिलर टू दिस मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे एक CH2, यहां पे एक CH2,
एंड अगेन अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा लोगे तो भी चलेगा, या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर लो, इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ठीक है, वन एंड द सेम। जितने कॉर्नर्स मेरे पास यहां पर दिख रहे हैं वो हर एक कॉर्नर आपका एक एक कार्बन कैरी करेगा, ठीक है। अब इसका नेमिंग सॉल्व करो, कितने कार्बन है इसके अंदर, चार, तो चार कार्बन को डायरेक्टली हम नाम दे सकते हैं, ब्यूटेन, करेक्ट है, ओपन चेन है। क्लोज्ड वाले चेन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, सो अगेन विल बी हैविंग ब्यूटेन, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज अ वर्ड साइक्लो, तो ये बन जाएगा आपका साइक्लो ब्यूटेन। सिमिलरली इसका भी नाम क्या रहेगा, साइक्लो ब्यूटेन, बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़े से एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो सो मान के चलते हैं, मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिया हुआ है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहां पे लगा दिया C2H5, यहां पे लगा दिया मैंने C2H5, अगेन विल बी हैविंग वन मोर एग्जाम्पल, दिस वन, यहां पे एक CH3, यहां पे एक C2H5, यहां पे एक CH3, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि स्ट्रक्चर ओपन है कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बोलो ये वाले C2H5 को, ये वाले C2H5 को छोड़ दो, मुझे क्या दिख रहा है, पांच कार्बन दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो पांच कार्बन को आपने क्या बोलना है, सो पेंटीन, करेक्ट है, स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, तो यहां पे आ जाएगा आपका साइक्लोपेंटीन, करेक्ट है। अब मुझे बताने यहां पे दिया हुआ है C2H5, C2H5 का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इथाइल, कितनी बार दिया हुआ है, दो बार, तो यहां पे आ जाएगा डाई, ठीक है, कौन सी नंबर भी दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा आपका 1, 2 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन, सिंपल, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसका नेमिंग सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर आ जाओ, अब इसका नेमिंग सॉल्व कैसे करना है, फटाफट, चलो तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है CH3, यहां पे दिया हुआ है C2H5, यहां पे दिया हुआ है CH3, करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो और सेंटर में मेरे पास यहां पे दिया हुआ है 6 कार्बन, अब जरा ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर ओपनिंग है क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, तो ये वाला बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब बाकी बचे हुए प्रीफिक्सेस का मुझे नाम देना, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ CH3 और C2H5 में दोनों में से सबसे पहले किसको लिखोगे, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नेमिंग पहले करोगे, करेक्ट है, तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले इथाइल, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा मिथाइल। अब जरा चेक करना मिथाइल कितनी बार है, दो बार दिया हुआ है, ठीक है, तो बराबर मिथाइल के आगे आपको क्या लगाना है, डाई, ठीक है। अब इसका नेमिंग सॉल्व नंबरिंग देना पड़ेगा, तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग शुड बी गिवन इन सच अ वे दैट इट शुड कैरी अ लोवेस्ट नंबर, नंबरिंग आपको उस साइड से आपको देना है जहां से आपका सबसे लोवेस्ट नंबर आपका कैरी करता होगा, ठीक है। मैं आपको नंबरिंग दोनों साइड से बता रहा हूं, मैं नंबरिंग आपको यहां से भी करके बता रहा हूं और एक नंबरिंग आपको यहां से भी करके बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, नंबरिंग कैसे होगा, अगर मैंने नंबरिंग यहां से दिया तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4, करेक्ट है। तो नंबरिंग कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद फोर्थ कार्बन पे दिया हुआ है, करेक्ट है, ये मुझे एक नंबरिंग मिला। अगर मैं नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में अगर जाऊं तो नंबरिंग क्या मिलेगा उसको एक बार चेक कर दे, तो नंबरिंग यहां से आएगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4, करेक्ट है। तो इस बार नंबरिंग कौन से आ रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, 3 तो नहीं है, 4, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा 3+1 4, 4+4 8, तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर 8, यहां पे आएगा 2+1 3, 3+4 7, करेक्ट है। इसे आप लोग बोलते हो एडिशन रूल, क्या बोलोगे, एडिशन रूल। अब इसमें से मुझे क्या पता चला, तो एडिशन करने के बाद जिसका सम सबसे छोटा होता है मतलब जिसकी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी उस नंबर को आपको यहां पर लिखना है, करेक्ट है, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले इथाइल कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, फिर उसके बाद मिथाइल कौन से नंबर पे है, 1 और 4 पे, तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 4, क्लियर, यहां पे डैश, यहां पे डैश, कॉमा डैश,
सो नेमिंग क्या बनेगा इसका, 2-ethyl-1,4-dimethylcyclohexene, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा एलिसा के लिए कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल आ गया, तो मैंने बता दिया सिंगल बॉन्ड वाला, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल्स आ गए तो इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, या फिर मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ एक डबल बॉन्ड। अब इसका नेमिंग सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। चलो सबसे पहले कितने कार्बन है मेरे पास, 3 कार्बन, 1, 2, 3। सो 3 कार्बन को हम लोगों ने क्या बोलना है, प्रोप, करेक्ट है। 3 कार्बन को हम लोगों ने क्या बोलना है, प्रोप, हो गया। डबल बॉन्ड दिया हुआ है मतलब लास्ट में आना है ई, यानी आ गया। स्ट्रक्चर ओपन की क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, तो आपने प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो, ये भी आ गया। अब डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे दिया हुआ है, इसका नंबरिंग देना पड़ेगा, तो नंबरिंग शुड बी लोवेस्ट, तो नंबरिंग आप करोगे यहां से 1, 2, 3, करेक्ट है। अब यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन आपको लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहीं से करोगे, ठीक है, या फिर 1, 2, 3 ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ, तो 1 और 2 में लोवेस्ट कौन है, सबसे छोटा नंबर 1, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1, समझ में आ गया। तो इसका नेमिंग बनेगा साइक्लोप्रोप 1N, या फिर डायरेक्टली साइक्लोप्रोपीन लिखोगे तो भी चलेगा, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दैट डजंट मैटर्स, ठीक है। चलो अब इसका देखो, सबसे पहले साइक्लोब्यूटीन, इतना तो समझ में आ गया होगा, साइक्लोब्यूटीन, करेक्ट ना। अब डबल बॉन्ड कहां पे दिया हुआ है, तो नंबरिंग हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे 1, 2, 3, 4, करेक्ट है। 1 और 2 में सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 1, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपका नेमिंग बनेगा साइक्लोब्यूट 1N, क्लियर। सो आज का हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कुछ और डिफिकल्ट एग्जांपल्स के ऊपर ध्यान देंगे, बट उसके पहले ये वाले एग्जांपल्स आप लोगों ने सॉल्व करके एक बार देखना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।